छात्रा के साथ शराब और ड्रग्स के डोज देकर 2 माह से किया जा रहा सामूहिक दुष्कर्म। गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक 16 वर्ष की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त में लिप्त गिरोह के सदस्य छात्रा को MDMA ड्रग और शराब का डोज देकर 2 महीने से शोषण कर रहे थे। गिरोह के 3 सदस्य विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। छात्रा को इंदौर के एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया जा रहा था। आरोपी गिरोह में एक युवती भी शामिल है जो MDMA ब्राउन शुगर कोकीन खरीदकर सप्लाई करती है। छात्रा की रिपोर्ट पर पुलिस ने गजनी उर्फ गोलू ठाकुर, अमर वर्मा, बिंदु दीदी व अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। ये बच्ची सेक्टर 78 की रहने वाली है। पिछले कुछ दिनों से जो नशे के विरुद्ध मुहिम चल रही है उसमें कुछ जो नशे के आदि बच्चे हैं और बाकी बड़े उम्र के लोग भी हैं उनको लिस्टिंग करके हमारे सीनियर ऑफिसर्स द्वारा बताया गया था, लिस्टिंग करके रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है इनको भेजा जा रहा था। इसी तारतम्य में बाणगंगा में जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वहाँ पर एक 15 साल की बच्ची है, ये इसको भेजा गया था और इसकी काउंसलिंग जब की गई तो इसके बाद इसने काउंसलिंग के दौरान बातचीत में बताया था कि इसके घर के पास में सामने 2 युवक रहते हैं जिन्होंने इसको नशे की आदत लगाई है और जब से पूछा गया पूरी तरीके से अच्छे से तब उसने बताया कि इन 2 युवकों ने उसको पहले नशे की आदत लगाई और उसके बाद उसका दैहिक शोषण भी किया। इसकी इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने फिर और आगे भी गहन पूछताछ की और तथ्यों को एकत्रित किया जिसके बाद इसमें पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद में जो दोनों युवक जो दैहिक शोषण जिन्होंने किया है और उसके बाद जहां पर इसको नशे की आदत लगाई गई उस महिला को और फिर पूछताछ के बाद में जो युवक नशा उपलब्ध करवाता था उसको भी ऐसे करके पूरे तार जोड़कर इसमें अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।